विकास मानित बातचीत। धन्यवाद प्रिय प्रोफेसर रविशंकर जी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज सामाजिक सरोकार एवं सुचितापूर्ण राजनीति विषय पर आप सबसे वार्ता करने के लिए आप सबके समक्ष होकर मैं विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। इसके पहले कि मैं आप सबसे संवाद शुरू करूं, प्रोफेसर रविशंकर जी विशेष कार्य अधिकारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ, डॉक्टर पवन कुमार जी इस कार्यक्रम के संयोजक, डॉक्टर आरती यादव, डॉक्टर गौरी शंकर चौहान, डॉक्टर तुलिका मिश्रा, डॉक्टर निखिल कुमार, डॉक्टर सर्वेश कुमार, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी एवं अन्य वे सभी जो आज के इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, मैं आप सबके माध्यम से आज जिस विश्वविद्यालय से यहाँ तक आया हूँ, वहाँ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर बी के सिंह जी, वहाँ के सभी लब्ध प्रतिष्ठ आचार्यगण, शिक्षकगण, कार्यरत देवियों और सज्जनों, आज के अवसर पर आप लोगों से मिलने का मुझे विशेष सुख मिल रहा है, क्योंकि अपने परिवार में होना, अपने लोगों के बीच में होना शायद सुख का सबसे बड़ा पर्याय होता है। तो इसके लिए रविशंकर जी को बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे अपनेपन का एक विशेष अवसर जिसमें अपनेपन की अभिव्यक्ति होती है वह प्रदान किया। आपकी पूरी टीम को साधुवाद एक बहुत अच्छी व्याख्यान श्रृंखला के लिए। हम लोगों को आज सामाजिक सरोकार और सुचितापूर्ण राजनीति पर कुछ विचार विमर्श करना है। आज के जिस दौर में हम लोग हैं उसे कोरोना 19 नामक विषाणु का दौर कहा जाता है। एक ऐसा अदृश्य विषाणु जिसका प्रकोप पूरी दुनिया पर अस्पष्टता दिखलाई दे रहा है। कितना घातक है आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि आज सारी गतिविधियां औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैकासिक लगभग अवरुद्ध सी हैं। यातायात के साधन अभी तक अवरुद्ध ही हैं, यदा कदा अब इन्हें आरंभ किया जा रहा है। एक ही मंच ऐसा है जहां सक्रियता खूब दिखी, वह है अकादमिक मंच, और जिस पर सक्रियता दिखी वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म। अर्थात अदृश्य विषाणु का सामना करने में अगर कोई समर्थ माध्यम है तो वह इंटरनेट है अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, अभी प्रिय रविशंकर जी को सुन भी पा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज के दौर में सामाजिक संरचना ही बदल गई। हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पहले सामाजिक संरचना का हमें बोध होता था। संयुक्त परिवार आप लोगों ने सुना होगा। संयुक्त परिवार में एक साथ बहुत सारे लोग होते थे। समाज तो संबंधों का संजाल है जिसमें बड़े छोटे का एक विशेष संबंध होता है, छोटों के प्रति अनुराग भाव, बड़ों के प्रति सम्मान भाव। समाज रिश्तों से ही चलता है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, ये हमारा भारतीय समाज है। आज के दौर में इस समाज में एक पूर्ववर्ती दृश्य दिखलाई दे रहा है। हमने प्रगति की दौड़ में समाज का स्वरूप बदलते हुए देखा। भारत की मान्यता रही है कि पूरी धरा ही हमारा परिवार है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय दृष्टि पूरे संसार को परिवार मानती है और पाश्चात्य दृष्टि में समाज विश्व को बाजार मानता है। ये अंतर है। हम धरा को परिवार मानते हैं, इसलिए पारिवारिक संबंधों के रूप में
हम एक बृहद परिवेश में रहना चाहते हैं, सोचते हैं और तदनुरूप हमारा आचरण होता है। और यही मानने के कारण जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जहाँ से हमारे सामाजिक सरोकार का श्री गणेश होता है, उसमें जीवन के सारे उदात्त मूल्य समाहित हैं। और यह समाज आरंभ होता है संस्कार से, सभ्यता से और संस्कृति से। यह तीनों मिलकर समाज का ताना बाना रचते हैं। और हमारा व्यवहार अन्य लोगों के साथ कैसा हो, हमारा परिवार किस धरातल पर अवस्थित हो, अथवा हमारी सोच में सामाजिक पारिवारिक गतिविधियों के इतर और क्या क्या हो सकता है, यह विचारणीय बिंदु होता है। हम जिस गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर इस पीठ में, इस व्याख्यानमाला में भाग ले रहे हैं, वह हिंदुस्तान में आदि शंकराचार्य के बाद शीर्षस्थ संत कहे जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मानक मूल्य और आदर्श स्थापित किए जीवन में उन्नयन के लिए और अनुकरण करने के लिए। इस शोध पीठ के माध्यम से आप तक पहुंचना भी एक सौभाग्य का ही विषय है। उन्हें हम लोग शिवांश कहते हैं, जिनमें पूर्ण शिवत्व है, अर्थात कल्याण करने का भाव। यही हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार है। सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। यह हमारा मानव मूल्यों का समेकित स्वरूप की अभिव्यक्ति है। इसी रूप में हम देखते हैं। इसलिए हमारा समाज एक व्यवस्थित समाज है, जिसमें हम अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और यही गतिविधियां पुनः राजनीतिक निकाय को स्थापित करती हैं। इसलिए राजनीति और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। हमारे सामाजिक सरोकार हैं क्या? समाज तो साथ साथ चलने वाला एक निकाय है। सख्य, साख्य भाव, समत्व भाव, साहचर्य भाव और समन्वय की वृत्ति, इसी से गठित होता है समाज। विविध प्रकार के समाज, विविध प्रकार के परिवार, इसलिए एक देश विशेष में कई प्रकार के समाज दिखाई देते हैं। लेकिन हर समाज का एक विशेष सूत्र होता है, वह भारतीयता का सूत्र है, भारतीय संस्कृति का सूत्र है और भारतीय संस्कारों का सूत्र होता है। इस आधार पर इस देश में जहाँ कहीं भी जिस भी प्रकार का सामाजिक विन्यास है, सब एक जैसे ही हैं। परिवार का गठन एक ही जैसा होता है। विकास क्रम में परिवार का स्वरूप बदला। हम संयुक्त परिवार से, जिसका बृहद रूप या समाज है, विभिन्न कारणों से दूसरे प्रकार के परिवार में बदलते चले गए। हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो एक नारा चला, हम दो हमारे दो, इस धरा पर जनसंख्या का दबाव घटाने के लिए, जिसमें माता पिता हों और उनकी दो संतान हों। इसमें सामाजिक संबंधों का एक तरह से संक्षिप्तीकरण होने लगा। दो संतान हैं, दोनों भाई हो गए, फिर भाई बहन का क्या होगा? दो बहनें हैं, फिर भाई का क्या होगा? एक मानक बनता चला गया, चाचा चाची का क्या होगा, बुआ मौसी का क्या होगा? इस प्रकार के सारे संबंध क्रमशः संक्षिप्त होते चले गए। लेकिन तत्कालीन आवश्यकता थी। फिर पश्चिम की एक दुनिया चली। हमारी दुनिया में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में पिता माता के लिए निश्चित स्थान है, दादा दादी के लिए एक निश्चित स्थान है, लेकिन पश्चिम की दुनिया ऐसा नहीं मानती। वहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। रविशंकर जी इसे विधिवत जानते हैं कि पति पत्नी और एक संतान हो गया। बाद में इससे भी संतोष नहीं हुआ तो न्यूक्लियर फैमिली से और भी नीचे आ गए, ये एटॉमिक फैमिली, फिर न्यूक्लियर फैमिली जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक सीमित रह गए, पति पत्नी तक आ गए, फिर बाद में और विखंडन किया, प्रोटॉन पाइसान तक आ गए। क्रमशः परिवार का स्वरूप छोटा होता चला गया। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है,
पश्चिम ने इतनी प्रगत कर ली कि कहा नहीं नहीं हम तो साथ रह लेंगे, विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो एक तरह से सामाजिक विन्यास देश विशेष में अलग अलग होता चला गया। और इस प्रगति का सामाजिक विन्यास क्या था कि हम समूह में न रहें, हम इकाइयों में बंटते चले जाएं। कोरोना का केवल और केवल नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन कुछ संदर्भों में इसका एक और भी अलग प्रभाव है कि अब हम समाज में सब एक साथ हो सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, परिवार में परिवारी जनों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, साथ ही अपने सगे संबंधियों का हाल चाल भी ले सकते हैं। हाल चाल लेना हमारा सामाजिक सरोकार है कि हमारे अगल बगल कौन लोग हैं, हमसे दूर कौन लोग हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा भी दौर था विकास के क्रम में जब किसी के पास किसी और के लिए समय ही नहीं था। जिससे आप मिलना चाहें उसका एक ही जवाब, अभी तो समय नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि सबके पास पर्याप्त समय है अपने लिए, अपनों के लिए और अपनों से संबंधित लोगों के लिए। इसलिए न केवल अपने परिवार के बाहर जो लोग हैं उनका हम समाचार ले रहे हैं, अपित दूरस्थ स्थान पर अवस्थित जो हमसे संबंधित लोग हैं हम उनका भी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। ये हमारा सामाजिक सरोकार है। इतना ही नहीं, अब हम यह भी पूछ रहे हैं कि इस मानव व्यवस्था में जो भारतीय समाज है इसमें बाहर जो लोग गए हुए हैं वह कैसे अपने मूल स्थान पर आ रहे हैं, इसकी जो चिंता है वह हमारा सामाजिक सरोकार है। साथ ही हमसे इतर इस समाज के जो और लोग हैं आज उनका भरण पोषण कैसे हो पा रहा है इस पर चिंतन, यह हमारा सामाजिक सरोकार है। अर्थात सामाजिक सरोकार हमारी मानवीयता की अभिव्यक्ति है। समाज में जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जानना, समाज के अन्य जो सदस्य हैं उनके बारे में जानना और समाज की संस्कृति, समाज की सोच, समाज की गतिविधि, तीनों के बारे में विचार करना ही हमारे सरोकार को व्यक्त करता है। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही सही सबके बारे में जान रहे हैं, सबके बारे में पूछ रहे हैं और सबके बारे में सोच भी रहे हैं। इसी से समाज का विकास होता है, इसी से समाज निरंतर आगे बढ़ता है। समाज और संसार दोनों में थोड़ा सा अंतर है। समाज जो प्रतिपल पल्लवित होता है उसे समाज कहते हैं, इसमें पल्लवन का भाव है और संसार में क्षरण का भाव है। संसरति इति संसारः, जिसका क्षरण हो रहा है वो संसार है और जिसका पल्लवन हो रहा है वह समाज है। लेकिन इस समाज का परिवेश भी ध्यातव्य होता है। हम किस परिवेश में रहते हैं, हमारा पर्यावरण क्या है और हमसे लोगों की अपेक्षाएं क्या है। परिवेश, पर्यावरण और अपेक्षाएं मिलकर हमारे सरोकार को साकार बनाती हैं, स्वरूप प्रदान करती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा परिवेश कैसा है, इस परिवेश में रहने वाले लोग कौन कौन से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। बहुत सारे आज के दौर में ऐसे लोग हैं जिनके भरण पोषण के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में एक नागरिक समाज बनता है जो उनके बारे में सोचता है। सरोपर तो सरकार सोचती ही है, जन नायक सोचते ही हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा महानायक है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जैसा अद्भुत नायक है, जिन्हें देश, प्रदेश और भारतीयों के बारे में विशेष चिंता है। इस पर चर्चा राजनीति के क्रम में। लेकिन हमारा समाज एक समावेशी समाज है जिसमें विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविध प्रकार की विचारधाराएं हैं, विविध प्रकार का स्तर है। इसी से संस्कृति का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है
सर्वोपरि समन्वय और समझदारी की स्थिति बनती है। जब हम इन दोनों का आश्रय लेते हैं, समन्वय और समझदारी का, जिसमें बुद्धि विवेक का प्राधान्य होता है, तब हमें लगता है कि पूरा समाज ही हमारे ही जैसा है। यह मानव समाज है, इसलिए मानव की संवेदना होनी चाहिए। संवेदनशीलता सरोकार की पहली शर्त होती है। हम अपने आसपास के लोगों का तभी ध्यान रखते हैं जब हम आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होने से हमारी सक्रियता बढ़ती है। जो संबंध हैं उसको हम पुनर्धार प्रदान करते हैं और एक आत्मीयता का भाव लाते हैं। इसलिए जितनी रचनात्मक गतिविधियां हैं समाज की, वो हमारे दायरे में आ जाती हैं। लेखन हो, खेलकूद हो, मनोरंजन हो, अथवा जो भी पर्व हो उसमें सहभागिता हो, यह सामाजिक सरोकार के विषय होते हैं। पर्वों में, चाहे जिस भी समुदाय का पर्व हो, जिस भी आस्था के लोगों का पर्व हो, हमारी रुचि भागीदारी और सहयोग वृत्ति हमारे सरोकार को व्यक्त करती है और यही एक बृहत्तर भारतीय समाज की रचना का कारण है। अर्थात सम्यक संपूर्ण समावेशी समाज का बोध सामाजिक सरोकार का फलक माना जाता है। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकर भारत में जहाँ भी हमारा समुदाय है, जिस प्रकार का भी है, उसके बारे में हमारी सोच हो रही है। हम आगे बढ़कर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आज के दौर में हर व्यक्ति दुनिया में अपनी जीवन रक्षा में लगा है और इसके लिए हम अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ अपने को निरुद्ध किए हुए हैं, एक शर्त के साथ कि 2 गज की दूरी जरूरी है, क्योंकि यह विषाणु स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से और हमारे श्वास के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचता है, तो उसका क्रम टूटे, इसलिए ज़रूरी है कि हम मास्क धारण करें, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हम दूरी बनाए रखें। हम सभी किसी न किसी स्थान पर निरुद्ध हैं, लेकिन ऐसे में हमारी रक्षा करने के लिए हमारे परिवार के लोग ही बाहर हैं। हम सब जानते हैं कि देवालय हमारे लिए सतत वंदनीय हैं और देवालय में देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन कोरोना प्रकोप के दौर में देवालय से देवी देवता निकलकर औषधालय में चले गए हैं। डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में वह सर्वत्र घूम करके हमारी रक्षा में लगे हैं। उन्हें आज मोदी जी ने जो नाम दिया कोरोना वॉरियर का, वह ऐसे लोग हैं। हमें उनका ध्यान करना है, उनकी चिंता करनी है, यह हमारा सरोकार है। हमारे ही परिवार के लोग हमारी सुरक्षा में लगे हैं, सैन्य बल के रूप में सीमा पर, अथवा पुलिस बल के रूप में राष्ट्रांतर्गत आवश्यक स्थलों पर। उनके बारे में अब हम चिंता करने लगे हैं, यह हमारा सामाजिक सरोकार है, क्योंकि वे भी अपने प्राण की परवाह नहीं कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए व्यवस्था देने में लगे हुए हैं, यह हमारा सरोकार है। हम सफाई कर्मियों के बारे में विचार कर रहे हैं, जो हाउस कीपिंग के लोग हैं उनकी अब चिंता कर रहे हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, मानव समुदाय के लोग हैं, अब हम उनके बारे में भी सोचने लगे हैं कि हम अच्छी तरह से रहें, इसलिए वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह खतरे में डालकर बाहर भ्रमण कर रहे हैं, हमें सुविधा दे रहे हैं। जो मीडिया के लोग हैं, हमारे पास अद्यतन सूचना रहे, हम आज की स्थिति से अवगत हों, हमें कोई कठिनाई ना हो, इसलिए पहले से ही आगाह करें, हमारे ही परिवार के हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखकर वह भी बाहर भ्रमण कर रहे हैं, कार्यस्थल पर जा रहे हैं, अब हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। हमारे मन में उनके प्रति सम्मान भाव है, अब आस्था का भाव है। हमारे राष्ट्र नायक जो अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर हमें कैसे सुरक्षित रहना है, इसका संदेश दे रहे हैं। आज पूरा देश, अगर राष्ट्र नायक महामानव मोदी जी के बारे में सोचता है कि हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का सरोकार है। हम अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से,
माननीय योगी जी के बारे में सोच रहे हैं, अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर कैसे सबको सुविधा दी जाए, कैसे सबको सुरक्षा दी जाए, तो अब हमारी चिंता का विषय है। प्रत्येक प्रदेश में सभी मुख्यमंत्री, सम्मानित मुख्यमंत्री आज आस्था के केंद्र बने हुए हैं। यह सब लोगों के चिंतन का विषय बन गया है। पूरा समाज अब सोचने लगा है। पहले राजनीति में रहने वाले लोगों के बारे में नज़रिया बहुधा सकारात्मक नहीं होती, लेकिन आज इनवेरिएबली सभी सकारात्मक दृष्टि देखते हैं। यह हमारे सरोकार का श्रेष्ठतम स्वरूप है। इसीलिए अब हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए कभी ताली थाली बजाते हैं, कभी उनके लिए प्रकाश करते हैं और कभी उनका मंदन करते हैं। ये हमारा सामाजिक सरोकार है। अब हम मानने लगे हैं कि सफाई कर्मी भी हमारी ही तरह मनुष्य है, हमारी ही तरह उसका भी सम्मान है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अब हम यह सोचने लगे हैं, ये हमारा सरोकार है। इसलिए इस माध्यम से हमारे समाज का जो बृहत्तर स्वरूप है आज दिख रहा है। केवल हम अपने ही लिए चिंतित नहीं हैं, हमारा समाज अब दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे समाज के लोग हैं उनका हित चिंतन करने लगा है। दुनिया में जितने भी प्रकार के समाज हैं उनका हित चिंतन करने लगा है। कोरोना के समय सबसे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष ने समीपस्थ राष्ट्रों को संवाद के माध्यम से सहयोग देने की पहल करता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अर्थात सरोकार वह होता है जिसमें हम आगे बढ़कर अपने जैसे लोगों का सहयोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये भारतीय समाज की विशेषता है। इसी को समावेशी समाज भी कहते हैं और परमार्थी समाज भी कहते हैं। परमार्थ का विशेष ध्यान हमारे यहाँ दिया जाता है कि दूसरे का हित हो। हमारे यहाँ की परंपरा ही, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, आप सब उसी क्षेत्र के हैं, कबीर का भी क्षेत्र है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कि हमारे पास इतना हो, हमारा भरण पोषण हो, लेकिन अगर कोई साधु है या कोई अतिथि है तो उसका भी हम सम्यक सम्मान करें, उसे भी तुष्ट करने की कोशिश करें। और यह सरोकार बढ़कर विश्वविद्यालय के स्तर पर आता है। हर विश्वविद्यालय का एक सामाजिक सरोकार होता है। हम परिसर में विद्यार्थियों को तो पढ़ाते ही हैं, शिक्षा में नवाचार और गुणवत्ता का ध्यान रखते ही हैं, अनुसंधान के माध्यम से नीतिकारों को योग देने का काम, मानवता के कल्याण का काम हम करते ही हैं। साथ ही साथ यह मानकर चलते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय केवल परिसर तक सीमित नहीं है, परिसर के बाहर भी हमारा सरोकार है। इसीलिए कभी अधिवक्तागण के साथ, कभी चिकित्सकगण के साथ, कभी अधिकारी जन के साथ, कभी कृषक बंधुओं के साथ, कभी कामगारों के साथ, कभी बुनकरों के साथ, कभी उद्योग में लगे हुए महानुभावों के साथ, कभी पत्रकार महानुभावों के साथ हम सबसे निरंतर संवाद करते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का केंद्र सबके लिए है और सबको उच्चता प्रदान करने के लिए है। इसका ध्येय होता है कि हमसे जो भी जुड़े हैं उनको एक सम्मानजनक पहचान मिले, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें स्थान मिले और स्थान मिलने के बाद उनके प्रगति का अवसर सुलभ हो, आय और रोजगार के साधन सृजित हों। ये अकादमिक संस्थाएं इस तरह से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करती हैं ताकि वह आगे चलकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व का गुण प्राप्त कर सके। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हम सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। पहले हम केवल जो कार्य के घंटे होते थे विश्वविद्यालय में, उतना ही हम सुलभ होते थे अपने विद्यार्थियों से, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम 24/7 सुलभ हैं विद्यार्थियों के लिए अथवा जिज्ञासुओं के लिए। जो जिज्ञासु है, हमारा विद्यार्थी नहीं है, वह भी हमसे जुड़ सकता है, हमसे पूछ सकता है। सारे शिक्षक इस प्रक्रिया में लगे हैं और इस प्रक्रिया में लगने में पहले से कहीं अधिक ज़्यादा परिश्रम भी कर रहे हैं और सक्रिय भी हो गए हैं।
क्योंकि अब यह प्रतिस्पर्धा डिजिटल मोड में आ गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, तो केवल विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं है, राष्ट्रीय धरातल पर है विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ, और वैश्विक मंच पर है दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आज के दौर में बढ़ी है। विद्यार्थियों को भी पूरा अवसर मिला है कि वह जहाँ कहीं भी हैं इस डिजिटल मोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पास तक पहुँच बहुत आसान है, कोई व्यय नहीं होना। आप इससे कनेक्ट होइए और जितनी सूचनाएं हैं आपके अनुकूल उसे प्राप्त करें। आपके विकास में जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, आपके विकास में गुरुजनों द्वारा प्रदत्त ज्ञान की जो वाणी है उसे आप प्राप्त करें और उससे आगे बढ़ने के मार्ग में उसे पाथेय बनाकर साथ साथ ले चलें। यही उन्नति का मार्ग होता है। सबको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है और उस लक्ष्य पर चलना होता है। शिक्षा के माध्यम से आज के दौर में त्वरित परिवर्तन हो रहा है और यही शिक्षण संस्थानों का एक सामाजिक सरोकार है जिस पर हमें निरंतर ध्यान देने की जरूरत है। समाज केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं होता, समाज की कई प्रकार की इकाइयां होती हैं, जिसमें परिवार भी है, कई अन्य समूह भी हैं, रचनाकार भी हैं, कलाकार भी हैं, सब मिलकर समाज को गति प्रदान करते हैं, समाज को आधार देते हैं और फिर इसी गति और आधार के माध्यम से दुनिया में जहाँ भी हमारे जैसे लोग होते हैं उनसे हम जुड़ते हैं संवेदना के धरातल पर। हमारे कारण अगर किसी का दुख कम होता है, हमारे कारण कोई अभाव मुक्त हो जाए, तो यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होती है कि कोई अभाव ग्रस्त ना रहे और कोई कष्ट में ना रहे। यही सोचना हमारे सरोकार के अंतर्गत आता है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यह विशेषता मानी जाती है। इसी के माध्यम से हमारे यहाँ जो उदात्त मूल्य हैं, सहयोग, सानिध्य, समझदारी, सत्यवादिता, ये सब चलता रहता है। यही हमारे समाज की विशेषता है, संस्कारों के माध्यम से विकसित होता है और यह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। संस्कार ही हमें समुन्नत बनाते हैं। विचार के धरातल पर और व्यवहार के धरातल पर संस्कार ही हमें सिखा देते हैं। हर तरह से मानवीय गुणों के आधार पर लोगों से संबंध बनाना, अर्थात हम किसी के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा अपने प्रति हम औरों से अपेक्षा नहीं रखते, यह समाज की विशेषता होती है और मनुष्य का यही ध्येय होना चाहिए। सामाजिक सरोकार वस्तुतः पुष्पित पल्लवित होती है एक राजनीतिक निकाय में जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र की व्यवस्था संचालित करने वाली विधा को हम राजनीति कहते हैं। राजनीति सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने वाली विधा है, राष्ट्र के व्यवस्था को संचालित करने वाली विधा है, राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने वाली विधा है। व्यक्ति, समाज, व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय निकाय का यही एकमात्र सूत्र है जिसे हम राजनीति कहते हैं। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से हम सत्ता के सूत्र आपस अपने हाथ में प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हम शक्तिधारी बनते हैं, अर्थात राजनीति शक्ति, सत्ता और व्यवस्था की नियामक विधा है। राजनीति की दो मान्यताएं हमारे देश में रही हैं। एक मान्यता है जिसे हम तत्व कलानिधि, एक ग्रंथ है संस्कृत का जिसमें निहित है, उसकी मान्यता कहते हैं, जिसमें राजनीति की बड़ी उत्तम परिभाषा है। अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्षसूत्रम फलम बिभ्रत अन्नाहारम कमंडनुम। अर्थात राजनीति तो नितांत शुद्ध होती है, उसका स्वभाव सुचिता का होता है, धवल वर्ण की होती है, अर्थात उसमें कोई दाग नहीं होता।
अर्थशास्त्रम भवेत गौरम गौरवाण की, जिसमें कोई दाग न हो, कर्पूर गौरम शिव की तरह केवल कल्याण करने वाली, बाबा गोरखनाथ की वाणी की तरह निरंतर कल्याण करने वाली, उसे कहते हैं राजनीति। अर्थशास्त्रम भवेत गौरम सारिका वदनम मुखम शुभम, सारिका की तरह मुख, सारिका मैना पक्षी आप लोगों ने सुना होगा, शुभंकर मुख माना जाता है, उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है, अर्थात इसमें कठोर वाणी के लिए स्थान नहीं होता, क्योंकि अपने लोगों का नेतृत्व करना होता है, अपने लोगों के लिए नेतृत्व करना होता है और अपने देश के लिए काम करना होता है, इसलिए वाणी की मृदुता आवश्यक है। शुभम या निरंतर शुभंकर है, अर्थात राजनीति में अशुभ भाव होना ही नहीं चाहिए, सबका उन्नयन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये राजनीति का स्वरूप है। इसके चार हाथ हैं, चार वृत्तियां, चार प्रवृत्तियां। अच्छ सूत्रम अर्थात निरंतर ध्यान मग्नता जनहित के लिए, फलम बिभ्रद जो भी परिश्रम कर रहे हैं उनका सुफल देने की सामर्थ्य, अन्नाहारम अर्थात अन्न कोष से परिपूर्ण, कभी अकाल की भी स्थिति आए तो जनसंख्या को भूखे न रहना पड़े, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था देना जिसमें सबके लिए आहार की सम्यक व्यवस्था हो। कमंडलुम जल प्रपात, जल प्रवाह, जल स्रोत अर्थात जल का निरंतर प्रवाह हो, उसकी व्यवस्था हो, शुद्ध जल सबको मिले, ऐसी व्यवस्था करने वाली विधा को राजनीति कहा जाता है, जो आज का विषय है, सुचितापूर्ण राजनीति। सुचितापूर्ण राजनीति में बहुत कुछ समाहित हो जाता है। भारत की राजनीति आध्यात्मिकता, नैतिकता, निरंतरता और परिवर्तनशीलता की भावभूमि पर अवलंबित है। इसमें अहिंसा का भाव, सहयोग का भाव, परमार्थ का भाव समाहित है। हमारे यहाँ तो अहिंसा को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया, अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्थ ए उचा, अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा स्मृतियों में और श्रुतियों में कहा गया है। ये हमारी परंपरा है, हमारे राजनीति की परंपरा है, यह अहिंसा आध्यात्मिकता में निहित है, करुणा है इसमें, सत्य प्रेम और करुणा, ये तीनों भारत की सुचितावादी राजनीति में समाहित है। आप सभी ने सुना होगा कि अहिंसा के सबसे बड़े भाष्यकार भगवान गौतम बुद्ध, आप लोग सुन रहे हैं उसी क्षेत्र से, इसके सबसे बड़े गायक इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये हमारी प्रवृत्ति में है, हमारी परंपरा में है, हमारी राजनीति में है कि हम अहिंसा चाहते हैं, हम अहिंसा पर चलते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ अति करे तो यह अहिंसा हमारा हथियार भी बनता है प्रकारांतर से। उदाहरण, जब 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ तो उसका कैप्शन रखा गया बुद्ध मुस्कराए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो परीक्षण हुआ था, तो एक कारण यह था इसलिए रखा गया। दूसरा इसका आशय ये था कि बुद्ध इसलिए मुस्कराए कि अब हिंदुस्तान की जो अहिंसावादी नीति है अब इसका कड़ाई के साथ पालन होगा, हम शांति की गारंटी ले सकते हैं और दे सकते हैं क्योंकि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो चुके हैं, इसलिए बुद्ध मुस्कराए। ये हमारी राजनीति की विशेषता है कि हम मुस्कराते हैं अहिंसा के लिए, हम मुस्कराते हैं अपनी ताकत पर गर्व करके, और हम मुस्कराते हैं संदेश देकर कि हमारे विरुद्ध कोई कुटिल दृष्टि न रखे। आज के प्रसंग में जब पूरी दुनिया अपने को सुरक्षित करने में लगी है, मानवता को बचाने में लगी है, तो हमारा एक समीपस्थ पड़ोसी अहंकार के वशीभूत होकर सीमा पर अमानुषिक गतिविधियां कर रहा है
और उसे इस बात का पूर्णता बोध है और हो जाना चाहिए अगर नहीं है तो, कि इस देश का नेतृत्व इस दौर का महानतम नेतृत्व है जिसमें इस प्रकार के कार्यों को भूलने और क्षमा करने की वृद्धि नहीं है। जो अहिंसा के साथ ही साथ मानकर चलते हैं सठे साठ्यम समाचरेता, मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र के पतनोन्मुख होने का दौर शुरू हो गया है। तो हमारी स्थिति आध्यात्मिकता की है जिसमें अहिंसा समाहित है, करुणा की है, और इसीलिए हम मानते हैं कि परिवर्तन का सबसे श्रेयस्कर माध्यम करुणा है और विधान है। वैधानिक मान्यताओं से हम परिवर्तन करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीति को एक स्थिर और गतिशील राजनीति कहते हैं। राजनीतिक स्थिरता अर्थात स्वतंत्रता के बाद कभी ऊहापोह की स्थिति नहीं आई, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जब हमारे प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा हो, पर यह निरंतर गतिशील है जिसका प्रतिबिंबन निर्वाचन के समय दिखलाई देता है, और देश पर जब कोई संकट आता है तो इसकी दृढ़ता दिखलाई देती है, जैसे आज के दौर में है, आज के हालात में है। यह हमारी प्रवृत्ति है। भारत की राजनीति में संत महात्माओं के लिए भी स्थान है, योगियों के लिए स्थान है, ध्यानियों के लिए स्थान है। इस समय सबसे बड़े कर्मयोगी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके बारे में आप सभी जानते हैं, संत साधक सन्यासी सिद्ध। तो ऐसे लोग जब राजनीति की कमान संभालते हैं तो राजनीति स्वतः शुचितापूर्ण हो जाती है। शुचितापूर्ण राजनीति वह है जहां देश के सभी निवासियों के लिए समान अवसर सुलभ हों, सबकी पहचान सुनिश्चित हो, जितनी इकाइयां हैं इस देश में सबके लिए पहचान हो, सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए स्थान हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह सबके लिए सुलभ हों, आहार आवरण और स्थान गेह अवसर आय आजीविका ये सबके लिए हो, आवास हो सबके लिए हो, इसे शुचितापूर्ण राजनीति कहते हैं, जिसका मैंने आरंभ में ही परिभाषा के माध्यम से बताया। इसकी गतिविधियां रोचक होती हैं। शुचितापूर्ण राजनीति में नैतिकता का विशेष स्थान होता है, अर्थात हर व्यक्ति अपने दायित्वों को समझे, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास न करें। ऐसा गीता ने कहा कि हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। इस पर हमें हमेशा विचार करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म आचरण अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करना श्रेयस्कर है, दूसरे के बारे में विचार करना श्रेयस्कर नहीं है। हमारे शुचितापूर्ण राजनीति में मानस में परे सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, कि परहित का विधान होना चाहिए। इसका बहुत पहले हमारे यहाँ चाणक्य ने भी उल्लेख किया था कि शुचितापूर्ण राजनीति क्या है, जिसमें राज्य की सत्ता संभालने वाले व्यक्ति के सामने अपना कोई हित ही ना हो। प्रजा सुखे सुखम राज्य है, प्रजा नाम च हिते हितम नात्मा प्रियम हितम राज्य है, प्रजा नाम च प्रिय हितम, कि हमारे लिए सुखकर कुछ और नहीं है। जो प्रजा के लिए सुखकर है, जो प्रजा के लिए हितकर है, जो प्रजा के लिए प्रियकर है, वही शासक के लिए होता है। इसका निरंतर हमें ध्यान रखना होता है, और इसी प्रक्रिया में हम राजनीतिक समाजीकरण को आगे लेकर चलते हैं और राजनीतिक संस्कृति को आगे लेकर चलते हैं, कि हमारे सामाजिक विन्यास में भेदभाव के लिए स्थान न हो, हमारी राजनीतिक संस्कृति में विभेदकारी मूल्य न हो। हमारे देश की राजनीति में संस्कृति का विधान क्या है, कि इसमें वैधानिकता है, कि जो भी कहीं से आता है हम उसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें समावेशी का भाव है, समावेशीपन कहते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ आई
और हमारी राजनीतिक संस्कृति में समाहित हो गए। इसीलिए इसे संगम संस्कृति कहते हैं। और इस संगम संस्कृति में केवल सद्भाव है, केवल सहयोग है, यह हमारी राजनीतिक संस्कृति है जिसमें प्रकृति बंधन है। आज के दौर में हम सभी प्रकृति के ज़्यादा समीप हों यह बहुत आवश्यक हो गया है। हमारे यहाँ मंत्रों में जो शांति मंत्र है उसमें भी वनस्पतियाँ शांति की बात करते हैं। घरों में तुलसी का पौधा अवश्य हो इसका ध्यान रखते हैं। पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं इसका भी ध्यान रखते हैं। नीम की पत्ती विशेष उपयोग की होती है इसका भी ध्यान रखते हैं। तो हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है ये पर्यावरण के करीब हमें रखती है, लैंगिक समानता में विश्वास करती है, यह सुस्तापूर्ण राजनीति है। नर नारी में कोई भेद नहीं है, सभी का एक समान स्थान है, सभी को एक समान महत्व मिलता है और मनुस्मृति के परंपरा को आगे इसी से बढ़ाया जाता है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया, यह हमारी राजनीतिक संस्कृति है। इसीलिए हर पद पर योग्यता के अनुसार नर या नारी बैठें कोई विभेद नहीं है, जबकि दुनिया में इसके लिए बहुत सारे आंदोलन चलाने पड़े, आंदोलन करने पड़े, तब जाकर वहाँ ये सम्मान और स्थान मिला। लेकिन भारतीय राजनीति की विशेषता, भारतीय राजनीति उत्सव धर्मी राजनीति है। जैसे विभिन्न पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, उसी तरह इस राजनीति में निर्वाचन एक प्रमुख पर्व है। उसमें उल्लास है, उमंग है, सत्ता में सहभागिता का भाव है, विपक्ष का सम्मान है और सबके विचारों का महत्व है। ये हमारी राजनीति है, सुस्ता की राजनीति। किसी के अच्छे भाव हो सकते हैं और उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसा जिस विश्वविद्यालय से मैं यहाँ आया हूँ, आप सब सुन रहे होंगे, आनो भद्राकृत वो यंतु विश्वतः, सभी शुभ विचार आएं, ऐसी हमारी मान्यता है। इसे सुचितापूर्ण राजनीति कहते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आए, एक अजीब राजनीतिक दिशा बन गई। कभी कभी लगने लगा कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं। राजनीति की अगर दिशा बदली तो संचालकों के कारण, आज दिशा अच्छी है तो संचालकों के कारण आज अच्छे लोग हैं राजनीति। एक दौर था जब भर्तृहरि की परिभाषा राजनीति में दिखलाई देने लगी थी। भर्तृहरि भी गुरु नानक, एक गुरु हमारे जो महायोगी हैं गोरखनाथ जी, उनके शिष्य परंपरा के हैं, उन्होंने नीति शतक लिखा। और जो सामयिक राजनीति है उस पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, वह आज की तारीख में विचारणीय है। अर्थागम नित्यम रोगिता चाहिए, तो हमारे विदुर ने नीति दिया कि राजनीति में हमेशा ध्यान रखना चाहिए सुस्ता में, कि कुछ सबके लिए आय की व्यवस्था हो और नैरोग्यता हो सबके पास। लेकिन भर्तृहरि ने कहा कि इसमें क्या है, हिंसा दयालुरपचार्थ परावधान्य, कि थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति भी है, थोड़ी दयालुता भी है। सत्यार्थता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपचार्थ परावधान्य नित्य व्या नित्य प्रचुर धनागमा च वारांगने नृपणी तीर्ण एक रूपा, कि राजनीति में जो वैश्विक धरातल पर दिखलाई देता है, कभी कभी स्थानीय राजनीति में भी दिख जाता है। सत्य और असत्य के लिए भी स्थान होता है, कठोर और मृदुता के लिए भी स्थान होता है। सुस्तापूर्ण राजनीति में कठोरता के लिए स्थान नहीं होता। हिंसा भी है, दयालुता भी है, भोगशीलता भी है, दानशीलता भी है, वैशीलता भी है, धनागम भी है, क्योंकि इसका स्वरूप चंचल है। लेकिन ये सौभाग्य है कि आज की राजनीति में सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। सामाजिक विन्यास की सोच है, सामाजिक संस्कृति का विधान है और सर्वोपरि राष्ट्रहित की बात है। सुस्तापूर्ण राजनीति व्यक्ति की गरिमा, समाज की गरिमा, राष्ट्र की गरिमा लेकर चलती है, जहां नागरिक अपने दायित्वों का निरंतर ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करते हैं और उनके अधिकार उन्हें सुलभ होते हैं। नागरिक अधिकार, पर्यावरणीय अधिकार या जितने भी प्रकार के मानवाधिकार हैं, सबसे वह अलंकृत होते हैं। इसे ही सुस्तता की राजनीति कहते हैं, जहां सत्ता व्यवस्था में निरंतर संवाद का विधान होता है, जहां विचार भेद होता है,
जहां मतभेद होता है, लेकिन जहां मनभेद के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे देश में शुचितापूर्ण राजनीति के एक बहुत प्रमुख विचारक हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने समन्वित समेकित राजनीति की बात की और ये विधान दिया कि हमारी जो परंपरा है उसका समय अनुकूलन कर लिया जाए, जो बाहर बहुत कुछ अच्छा है उसका देशानुकूलन कर लिया जाए, जहाँ हर व्यक्ति के लिए काम का अवसर हो। यह शुचितापूर्ण राजनीति है, अर्थात जिसमें नैतिकता हो, कर्मशीलता हो, ईमानदारी हो, समयबद्धता हो, पारदर्शिता हो और सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति हो, और ऐसा भाव हो कि हमारे अंदर स्वावलंबन हो, आत्मनिर्भरता हो, और यही इस राजनीति का संदेश होता है। आज के दौर में हमारे राष्ट्रनायक आत्मनिर्भर भारत का हम सभी को संदेश दे रहे हैं। स्थानीय स्तर पर हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, जो हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग बाहर से कोरोना संकट में लौट के आए हैं, उन्हें भी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही काम मिले, इसका विधान किया जा रहा है। हम लोकल के लिए वोकल हो जाएं और इसे ग्लोबल बनाएं, यह विचारणीय है कि हमारे पास जो स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छा है इसे हम मुखर होकर कहें और इसे वैश्विक मंच पर ले जाएं। आज आपको वैश्विक प्लेटफार्म मिला हुआ है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। कोरोना ने जो चुनौती दी है उसे अवसर में बदल देना है, यह हम अपनी मेधा से करेंगे, अपनी प्रतिभा से करेंगे। समाज का कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, सर्वोपरि होता है राष्ट्र, व्यक्ति की तुलना में बड़ा होता है समाज। इस पर हमें निरंतर ध्यान रखना है और आइए हम सब मिलकर गुरु गोरक्षनाथ जी के संदेश का पालन करें, अपने अंदर जागृति लाएं, चैतन्य बल लाएं और अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपने समाज को दुनिया का श्रेष्ठतम समाज बनाएं, अपने राष्ट्र को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं और हम सब मिलकर विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान के लोक में, अगला लोक ज्ञान का लोक कहा जाएगा, वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान को महानतम राष्ट्र बनाएं। आप सब में सामर्थ्य है, क्षमता है, अवश्य ही आप अपने ध्येय में सफल होंगे। राजनीति का स्वरूप सकारात्मक ही होता है, राजनीति समस्या पैदा करने के लिए नहीं है, राजनीति समस्याओं के निदान के लिए होती है। राजनीति कोई गलत सह नहीं है, हमेशा अच्छी होती है अगर हम इसके प्रति अच्छी दृष्टि रखें और इसमें अच्छे लोग आएं, जो आज के दौर के हमारे नायक हैं। आप शैक्षणिक संस्थानों से निकलकर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्राप्त करें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और एक बार पुनः आइए हम सब मिलकर भारत को सफल, स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, संपन्न और महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।